गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा एट्थ क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण के अंदर हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में अपन काफ़ी कुछ जानकारी ले चुके थे। शब्दों के भेदों के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। हमारा लास्ट एक भेद बच गया था प्रयोग के आधार पर, और सारे जो थे वैसे उसके शब्द के भेद वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह सब को समझ लिया होगा, क्योंकि व्याकरण के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ये। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन प्रयोग के आधार पे। तो लिखना स्टार्ट करिए, प्रयोग के आधार पे मुख्य रूप से शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं? तीन भेद बताए गए हैं। लिखना स्टार्ट करिए कि शब्दों के आधार पर जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको तीन भागों में बताया गया है। पहला है अपने सामान्य शब्द, ओके। सेकंड है अपना पारिभाषिक, पारिभाषिक शब्द, और तीसरा है अपना तकनीकी शब्द। अब बेटा इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे देती हूँ, ये तीनों है क्या। तो सामान्य जो शब्द होते हैं उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम सामान्य शब्दों की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे आलमारी है, किताब है, आपके पूजा है, रसोई है, ये सारे जो कि दैनिक जीवन में हमारे अनायासी इन शब्दों का जिनका प्रयोग हम करते हैं, करते हैं ना, बोलने के बोलचाल की भाषा में, आम बातचीत के अंदर जिन भाषाओं का जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे सामान्य शब्द। बहुत इजी सा है, समझ में आ गया ना आपको। जैसे रसोई है, अलमारी है, रोटी है, मकान है, ये हम अनायासी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं वे कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे बेटा? सामान्य शब्दों की श्रेणी में। क्लियर? सेकंड है अपना फिर अपने पारिभाषित शब्द। अब पारिभाषित शब्द होते हैं ना, वे शब्द होते हैं, इसमें लिख लीजिए आप लोग, वैसे डेफिनेशन इसमें दे रखी है कि कुछ शब्द एक विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र या स्थान की जानकारी जो देने वाले शब्द जो होते हैं वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि विशेष किसी स्थान की जानकारी दे रहे हो, किसी क्षेत्र की जानकारी दे रहे हो, या फिर किसी वस्तु की जानकारी दे रहे हो, या किसी व्यक्ति की जानकारी दे रहे हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन से शब्द की श्रेणी में आएंगे? पारिभाषित शब्द की श्रेणी में आएंगे। जैसे आज मैं पहाड़ी इलाके में गया, तो ये क्या है? एक विशेष बताया जा रहा है ना, इस क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में गया या पहाड़ी इलाके में गया, तो ये क्या है? एक क्षेत्र है, स्थान है ना, विशेष उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है कि वो क्षेत्र है वह कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र है। उसी प्रकार से न्यायालय का रास्ता इधर से है, या न्यायालय इस रास्ते में, न्यायालय का रास्ता कोई क्वेश्चन पूछे कहाँ से है, तो विशेष किसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे? न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्थान के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि विशेष किस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है? न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो शब्द जो होते हैं वह कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे? अपने पारिभाषिक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? लास्ट अपना तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्यों होते हैं? जो कि हम साइंस इत्यादि के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तकनीकी क्षेत्र के अंदर जिनका प्रयोग किया जाता है। इसमें लिख लीजिए, ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान तथा यंत्र विज्ञान से जुड़े हुए हो, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हो, अपने यंत्र विज्ञान इत्यादि से जो जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे? अपने तकनीकी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे भौतिक है, अंतरिक्ष विज्ञान है, मोबाइल, कंप्यूटर, ये कैसे हैं? ये कौन से शब्द है? तकनीकी से जुड़े हुए हैं ना हमारे, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन सी श्रेणी में आएंगे? अपने तकनीकी शब्दों की श्रेणी में आएंगे। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, पहला प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य, दूसरा पारिभाषित और तीसरा तकनीकी। सामान्य शब्द जिनको हम दैनिक जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैनिक जीवन के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वह शब्द होते हैं अपने
सामान्य शब्द, दूसरा है पारिभाषिक शब्द जो कि विशेष व्यक्ति, स्थान, क्षेत्र इत्यादि के बारे में हमें जानकारी देते हो या उसके बारे में हमें पता चलता हो। ऐसे दो शब्द होंगे, वह कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे? पारिभाषिक शब्दों की श्रेणी में। लास्ट है तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द कौन से आएंगे? जो कि हमारे विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तकनीकी के क्षेत्र से या ज्ञान विज्ञान या यंत्र विज्ञान से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वह शब्द तकनीकी शब्द कहलाए जाते हैं। क्लियर बेटा? जैसे मोबाइल है, आपके कंप्यूटर है, भौतिक रसायन है, ये सारे जो शब्द हैं वे सारे शब्द कौन से उसमें आएंगे? तकनीकी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पांचवा। लास्ट में मैंने एक और आपको बताया था, आपके वैसे तो शब्दों के शब्द जो विचार होते हैं, शब्दों के जो भेद होते हैं, वह पांच प्रकार के हैं, लेकिन आपके बुक में एक अलग से और दे रखा है, वह व्याकरणीय प्रकार, यानी कि व्याकरण के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम भी लिख लीजिए, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वो डिटेल में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बाद में कराऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर भी विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। अविकारी शब्द आप अभी सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैडम ये तो हमारे पढ़े हुए हैं, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, ये 5th-6th से आ जाते हैं आपके विकारी और अविकारी शब्द। इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको मैं लिखवा देती हूँ थोड़ी बहुत। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शब्द जिनमें क्या हो जाता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये प्राय कौन से होते हैं? ये प्राय क्या, कौन से शब्द होते हैं? लिंगी, लिंग होते हैं, वचन हो सकते हैं, काल हो सकते हैं, या काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। जो कि क्या होते हैं, क्या बताया मैंने? ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वह आपके विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा इसमें संज्ञा, दूसरा आएगा इसमें सर्वनाम, तीसरा आएगा इसमें विशेषण, और चौथा आएगा आपके इसमें क्रिया। इनके बारे में बेटा मैं डिटेल से आपको पहले भी अपन ने 7th क्लास में समझाया था, और आपको क्लास में भी मैंने एक दो बार समझाया है। आई होप आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तो ये जो शब्द है वह कौन से शब्द हैं? हमारे विकारी शब्द। इसमें चेंज होता रहता है ना बेटा, संज्ञा के आधार पर भी चेंज होता है, सर्वनाम के आधार पर भी चेंज होता है, विशेषण के आधार पर भी हम चेंज करते हैं, क्रिया के आधार पर भी हम चेंज करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, और ये शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। क्लियर? उसके बाद में आप दूसरा लिखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, लिख लीजिए इसके बाद में भी। वे शब्द विकारी, ये वे शब्द विकारी शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं, अर्थात वे शब्द जिसमें किसी भी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी अवस्था हो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वे कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे बेटा? अविकारी शब्दों की श्रेणी में आएंगे। ये भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये भी मुख्य रूप से हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, देख लीजिए। अविकारी शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला है अपने क्रिया विशेषण, ओके। सेकंड है हमारा समुच्चय बोधक, और तीसरा है हमारा संबंध बोधक, और लास्ट है अपने विस्मयादि बोधक। क्लियर बेटा? ये हमारे कौन से हैं? अविकारी शब्द, ओके। ये अविकारी शब्द है, और जो पहले बताए थे वो मैंने विकारी शब्द है। इसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक
और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के शब्द माने गए हैं। जैसे क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा, कोई क्रिया से संबंधित बातचीत आती है ना, जैसे कि बाहर जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर मत जाओ, है ना, धीरे धीरे चलो, तो ये सारे क्या है, क्रिया विशेषण है ना, जिसमें हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जिसमें क्रिया हो रही है वह क्रिया आपके क्रिया विशेषण आ जाएंगे। समुच्चय बोधक में कैसे आएंगे, जिसमें हम ओ अथवा इत्यादि जैसे कि इन शब्दों का जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन से श्रेणी में आएंगे, अपने समुच्चय बोधक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मैं राम और श्याम दोनों भाई है, दोनों में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ना कि दो क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं और उसमें बीच में लिखा हुआ आता है अथवा, अथवा कहने का अभिप्राय क्या है कि दोनों में से आपको एक आंसर देना है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह कौन से शब्दों की श्रेणी में आएंगे, अपने समुच्चय बोधक की श्रेणी में। फिर आता है संबंध बोधक, जिसका एक वाक्य से दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ हो रहा होता है, जैसे कि के पीछे, के आगे, जिनसे आपस में संबंध जुड़ा हुआ रहते हैं। ये बेटा डिटेल के अंदर आपके आपके आएंगे, अलग से टॉपिक है वो मैं बाद में आपको अच्छी तरह से विस्तारित रूप में समझाऊंगी, अभी तो बेटा शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, बाद में आपके बकायदा लेसन है, उस लेसन वो लेसन आएगा ना जब अपन इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और लास्ट में विस्मयादि बोधक, जिसमें मन के भावों को प्रदर्शित करते हो, छी कितनी गंदी जगह है, अरे ये क्या हो रहा है, ओहो, जिसमें यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में ताजुब हो या आश्रय हमें जहाँ पे प्रकट हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे कौन सी श्रेणी में आएंगे बेटा, विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आएंगे। क्लियर बेटा, आई होप आपको शब्द विचार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शब्द विचार किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, उन भेदों के भी कितने भेद होते हैं, इन सब की जानकारी आपको मिल गई है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से स्कूल में आके बात कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन के आंसर है, वो क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप करने हैं, बुक में ही करने हैं, जहाँ पर आपको बुक में दे रखे हैं ना, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बुक में कंप्लीट कर लीजिए और बुक ही मेरे से आके आप चेक करा दीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं अवेलेबल हुई आपके लिए स्कूल के अंदर, घर पर नहीं, स्कूल के अंदर आ जाइए, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।